अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें वीडियोस टाइम पर और फ्री में देखने के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। जेरूसलम फलस्तीन और इसराइल के बीच में बसा एक छोटा सा शहर है, लेकिन पिछले 3000 सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा विवाद इसी शहर को लेकर हुआ। फिर चाहे वो मुस्लिम्स और यहूदियों के बीच में हुए युद्ध हो, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में हुए क्रूसेड्स हो, या फिर ऑटोमन्स और पर्शियंस के बीच में हुई लड़ाइयाँ हो, सभी ने इस छोटे से शहर पर कब्जा करने की कोशिश की। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये शहर नहीं होता तो इसराइल फलस्तीन का विवाद इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता। तो क्या है आखिर इस जेरूसलम में? आपने ये तो सुना होगा कि जुडाइज्म यानी कि यहूदी धर्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये सभी अब्राहमिक रिलीजन्स हैं। यानी इन सभी धर्मों की शुरुआत अब्राहम से हुई थी। अब्राहम, जिन्हें हिब्रू और अरबिक में इब्राहिम कहा जाता है, इनका नाम बाइबल, कुरान और तोरा में कई बार आता है। तो कौन थे अब्राहम? अब्राहम का जन्म हेब्रोन कनान में हुआ था। ये जगह आज के समय वेस्ट बैंक में मौजूद है। अब्राहम के दो बेटे थे, आइसेक, जिन्हें हिब्रू और अरबिक में ईशाक कहा जाता है, और इश्माइल, जिन्हें हिब्रू और अरबी में इस्माइल कहा जाता है। मुस्लिम्स इस्माइल यानी कि इस्माइल से अपनी जड़ें तलाशते हैं, तो वहीं ईसाई और यहूदी आइजेक यानी कि ईशाक से। आइजेक के बेटे जेकब, जिन्हें हिब्रू और अरबी में याकूब कहा जाता है, इन्हें ही यहूदी इसराइल कहते हैं। इनके 12 बेटे थे जिन्हें चिल्ड्रन ऑफ इसराइल यानी कि बनी इसराइल कहा गया, जो कि कनान में रहते थे। उस समय का कनान आज के समय का इसराइल, फलस्तीन, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान को लेकर बना था, और यहां रहने वाले सभी लोगों को भी बनी इसराइल कहा जाता था। और उस समय खुद को भगवान मानने वाले इजिप्ट के राजा फिरौन इन लोगों को पकड़कर इजिप्ट लेकर जाते हैं, और वहाँ इन लोगों से 400 से ज्यादा सालों तक गुलामी करवाते हैं। लेकिन जेकब के पर पोते मोसेस, जिन्हें मुसलमान मूसा कहते हैं, ईश्वर के वरदान की मदद से इन बनी इसराइल के लोगों को आजादी दिलाते हैं। यहूदी मानते हैं कि सिनाई पर्वत पर ईश्वर ने मोसेस को उनकी किताब तोरा दी, जिसमें ईश्वर के कुल 613 आदेश थे, जिनमें से 10 सबसे जरूरी आदेश दो पत्थर की सिल्लियों पर लिखे थे। 11th century BC यानी कि 11वीं सदी ईसा पूर्व में साउल इसराइल के पहले राजा बनते हैं और यूनाइटेड किंगडम ऑफ इसराइल की स्थापना करते हैं। साउल के बाद डेविड, जिन्हें इस्लाम धर्म में दाऊद के नाम से जाना जाता है, इसराइल के दूसरे राजा बनते हैं। दाऊद याकूब यानी कि जेकब के ही वंशज थे, और यहूदी मानते हैं कि डेविड के बाद सोलमन, जिन्हें मुस्लिम सुलेमान कहते हैं, किंगडम ऑफ इसराइल के राजा बनते हैं, और सोलमन द्वारा जेरूसलम में यहूदी धर्म का सबसे पवित्र टेंपल माउंट बनवाया जाता है। लेकिन 586 BC में बेबीलोनियंस इसराइल पर कब्जा कर इस टेंपल को तोड़ देते हैं और भारी मात्रा में यहूदियों को उनके देश से निकाल देते हैं। फिर साल 539 BC में पर्शिया के राजा साइरस की मदद से इस टेंपल को दोबारा बनाया जाता है। सोलमन के वंश से ही रहती हैं मैरी, जिन्हें मुसलमान मरियम कहते हैं। यहूदी और ईसाई मानते हैं कि ये भी एक यहूदी थीं। मैरी जन्म देती हैं ईसा मसीह को, लेकिन यहूदी ना तो ईसा मसीह को मानते हैं, ना ही ईसा मसीह के भगवान होने को। ईसा मसीह से ही ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह को रोमन्स ने सूली पर चढ़ाया, जिसे क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस कहा जाता है। लेकिन मौत के 3 दिन बाद जीसस उठ खड़े हुए, जिससे ही क्रिश्चियंस को उन पर भरोसा हो गया, और ईसाई धर्म में इसे रेसरेक्शन ऑफ जीसस कहा जाता है। ईसाई मानते हैं इसके बाद जीसस अपने कई चेलों से भी मिले, और रेसरेक्शन के 40 दिन बाद माउंट ऑलिव से ईसा मसीह जन्नत में चले गए। जीसस के जाने के बाद क्रिश्चियनिटी बहुत ही तेजी से फैली। 70 CE में रोमन लोगों द्वारा यहूदियों पर हमला किया गया, और यहूदियों के लिए सबसे पवित्र टेंपल माउंट को दोबारा बुरी तरह से तोड़ दिया गया और सभी यहूदियों को देश से निकाल दिया, जिसके बाद यहूदी पूरे रोमन एम्पायर में बिखर गए, जो कि आज के समय का यूरोप है। लेकिन जहां भी यहूदी गए, उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा गया। दुनिया भर में लोग यहूदियों के साथ जानवरों जैसे पेश आने लगे, और यहूदियों का कहना है कि इसीलिए जब दूसरे विश्व युद्ध में उन्हें मौका मिला तो वो लोग वापस फलस्तीन लौटे। 632 AD में इस्लाम के आखिरी प्रॉफेट मोहम्मद
पीस बी अपॉन हिम का जन्म हुआ। प्रॉफेट मोहम्मद कुरैश कबीले से थे और कुरैश कबीले के लोग अब्राहम के बेटे इस्माइल के वंशज थे। प्रॉफेट मोहम्मद ने ही मुस्लिम्स को बताया कि जीसस भी एक प्रॉफेट थे, खुद गॉड नहीं, और जीसस को क्रूसीफाइड नहीं किया गया था। इसीलिए मुस्लिम्स क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म में बताए प्रॉफेट्स जैसे कि इब्राहिम, इस्माइल, ईशाक, याकूब, इनमें तो मानते हैं, मगर इन प्रॉफेट्स को लेकर मुस्लिम्स की अलग सोच है। आप लोगों को टेम्पल माउंट तो याद ही होगा, जिसे दूसरी बार रोमन्स ने तोड़ दिया था। टेम्पल माउंट यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थान था, लेकिन अब इस टूटे हुए मंदिर का एक पश्चिमी दीवार ही बचा है। ये है वो दीवार, इसे वेस्टर्न वॉल या फिर वेलिंग वॉल भी कहा जाता है। वेलिंग वॉल इसीलिए क्योंकि कुछ यहूदी यहाँ जाकर प्रार्थना के बाद रोते और मातम मनाते हैं। इस दीवार के ऊपर है मस्जिद अल अक्सा और हरम अल शरीफ। मस्जिद अक्सा और हरम अल शरीफ अलग अलग है। मुस्लिम्स मानते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद जेरूसलम में अपने घोड़े के साथ एक पत्थर से कूदकर जन्नत तक गए थे, जिसे इस्लाम में मिराज कहा जाता है। ये पत्थर हरम अल शरीफ के अंदर रखा है, इसीलिए इसे डोम ऑफ द रॉक भी कहा जाता है। इसके अलावा भी मुस्लिम्स मक्का से पहले अलक्सा मस्जिद की तरफ घूमकर नमाज पढ़ते थे। वेस्टर्न वॉल, हरम अल शरीफ और मस्जिद अलक्सा, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है टेम्पल माउंट, क्योंकि एक समय पर यहीं पर टेम्पल माउंट मौजूद था। मस्जिद अलक्सा और हरम अल शरीफ मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद दुनिया में मौजूद तीसरी सबसे पवित्र जगह है। टेम्पल माउंट के टूटने के लगभग 600 साल बाद मस्जिद अलक्सा को बनाया गया था, इसीलिए मस्जिद अलक्सा वेस्टर्न वॉल के ऊपर मौजूद है, और इसीलिए मुसलमान और यहूदी इस जगह को आपस में बांट नहीं पाए, और दोनों को नियम कानून मानते हुए इसे एक साथ इस्तेमाल करना होता है। जेरूसलम में ही मस्जिद अलक्सा से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर मौजूद है चर्च ऑफ होली सेपेकर। याद है मैंने कहा था कि जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था और उसके बाद उन्हें एक गुफा में दफना दिया गया था, लेकिन जीसस रिसरेक्ट कर गए थे, यानी कि दोबारा उठकर खड़े हो गए थे। जिस जगह जीसस क्राइस्ट रिसरेक्ट हुए थे, उसी जगह पर इस चर्च को बनाया गया है, और इस चर्च को क्रिश्चियनिटी का सबसे पवित्र चर्च माना जाता है। इसके अलावा भी मैंने कहा था कि जीसस क्राइस्ट रिसरेक्ट होने के बाद माउंट ऑलिव से जन्नत में चले गए थे। वो माउंट ऑलिव भी जेरूसलम में ही मौजूद है। क्रिश्चियंस मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट एक बार दोबारा धरती पर लौटेंगे, और जब वो दोबारा धरती पर आएंगे तो वो माउंट ऑलिव पर ही उतरेंगे, और इसीलिए जेरूसलम दुनिया के उन 3 धर्मों के लिए बहुत ही जरूरी है, जिनका पालन आज के समय आधी से ज्यादा दुनिया करती है। और इसीलिए शहर को पाने के लिए इस शहर पर 52 बार हमले हुए, इस शहर को 84 बार कब्जा किया गया, 23 बार सीज कर लिया गया और 2 बार पूरी तरह से मिटा दिया गया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।